साउंड। और दोस्तों कैसे हो आप लोग, आज तुम्हारा भाई आए एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। जैसा कि मेरे पिक्चर की देख सकते हो, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो में स्क्रीन दिखाता हूँ, आज से हमारी वीडियो सही से स्टार्ट होगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आप बिना किसी देरी के करते हैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट। आप लीजिए मजे। लोगों को इस वीडियो के अंदर मेरी 1000 फ़ोटो बहुत अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी, और आप लोगों को एक से एक फ़ोटो के पोज आप लोग जान जाएंगे किस किस तरह आप लोग फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इसलिए करते हैं शुरू। दोस्तों ये मेरे एक एक दिन की अच्छी अच्छी सभी फ़ोटोग्राफ्स हैं। अगर आप लोग फ़ोटो खिंचवाने के बहुत बड़े शौकीन हैं, जब आप लोग फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो खिंचवाना किस तरह है ये नहीं समझ में आता है, आप लोग ये अगर वीडियो देखोगे तो आपको एक से एक न्यू पोज देखने को मिलेंगे और आप लोग अच्छे अच्छे पोजों में फ़ोटो खिंचवा सकते हो, जिस तरह मैंने खिंचवा रखी है और आप लोग देख रहे हो। आप लोगों को एक से एक धांसू पोज और एक से एक सीन तो देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आप लोगों को एक से एक पोज देखने को मिल पाए और आप लोग हमेशा अच्छी अच्छी तरीके से फ़ोटो खिंचवा पाएँ। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कम से कम 1000 तरीके डाले हैं, जिससे कि आप लोग नए नए तरीके इस्तेमाल करके फ़ोटो अपनी अच्छी अच्छी खींच सकते हैं। इसलिए आप लेते रहें वीडियो के मज़े। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फाइनली हम लोगों ने कैमरा ले चुके हैं, अब हमारी जो भी वीडियो ब्लॉग की आएगी तो वो DSLR कैमरे के ऊपर होगी और
जैसे मैंने किस तरह लिया है, वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को भर भर के प्यार देना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक से एक स्टेप, जिसको कहते हैं फ़ोटो खींचने के, आप लोग फ़ोटोशॉप करते हैं तो आप लोगों के बड़े ही आसानी से ये वीडियो आप बहुत अच्छे से काम आएगी। इसलिए वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, जिससे कि आप लोगों को एक एक बात समझ में आए, क्योंकि ये वीडियो मेरी बहुत ख़ास है और मेरी पर्सनल वीडियो है, इसलिए आप लोग ज़रूर मज़े लें। बहुत दिनों के बाद स्कूल के सामने से गुजरा तो स्कूल ने पूछा, मुझसे तो बहुत परेशान था, अब बता जिंदगी का इम्तिहान कैसे चल रहा है। तो कैमरे और फ़ोन के थ्रू ली गई हैं। एक बात दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, कैमरे और फ़ोन में कोई भी अंतर नहीं है। अगर आप लोगों को फ़ोटोग्राफी आती है तो आप फ़ोन से ही एक से एक फ़ोटो खींच सकते हैं, जिससे कि एडिट करने में भी आप लोगों को फ़ोटो भी बहुत मज़ा आएगा, जो कि मैं तो बहुत अच्छे से एडिट करता हूँ, आप भी आई होप करते होंगे। अगर आप लोग एडिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करें, मैं आप लोगों को एडिट के ऊपर कुछ बताऊंगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों को फ़ोटो के पोस्ट तो देख के समझ में आ रहा होगा आप लोगों को किस किस तरीके से कल जाके फ़ोटो आप लोग खींच सकते हैं और कहाँ कहाँ आप लोग खींच सकते हैं ये, क्योंकि मेरी फेवरेट लोकेशन थी गाँव की, ये हमारे गाँव की फ़ोटो हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाई जाए और आप लोग भी इस वीडियो के और मेरी फ़ोटो के मज़े उठाएं, कि आप भी समझ पाएँ किस किस तरह की आप लोग फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये देखिए हमारे स्वच्छ भारत अभियान जरूरी है दोस्त, इसलिए सरकार का आप लोग सम्मान करें और उनका विश्वास करें, इसलिए आप लोग लेते रहें वीडियो के मज़े। आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में।
और दोस्तों एक बात आप लोगों को और पूछना चाहूँगा, आप लोग अगर मुझसे वीडियो किस तरह देखना चाहते हैं, डांस वाली, म्यूज़िक वाली, वी इफ़ेक्ट्स वाली, या एक्शन वाली, या ब्लॉक वाली, अगर आप लोग किसी भी तरह की वीडियो मुझसे देखना चाहते हैं तो कमेंट करके विस्तार से आप लोग बता सकते हैं। उस तरह की मैं वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और हमेशा आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा, जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया सीन या बढ़िया से बढ़िया लेके आऊँगा। वैसे तो आप लोग आज की फ़ोटो में, वीडियो में आप लोगों ने जाना कि एक से एक फ़ोटो के पोज आप लोग किस तरह खींच सकते हैं। आप लोग अगर कभी भी फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो कभी भी पता नहीं रहता है हमें किस तरह फ़ोटो खींचना है, इसलिए आप लोग ये वीडियो देख के समझ गए होंगे किस किस तरह से आप लोग फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, किस किस तरीके एंगल से और कैसे कैसे खिंचवा सकते हैं। उसी हिसाब से आप फ़ोटो खिंचवाएं और अच्छे अच्छे लाइक, कमेंट, शेयर पाएं और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें संजू दादा ब्लॉग। इसलिए लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। वैसे अभी बहुत सारे और पोस्ट पड़े हैं इसलिए देख के जाना, वैसे अभी वीडियो थोड़ी सी और बची हुई इसलिए देखना पूरी, जिससे कि आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और इसका सेकंड एपिसोड आएगा क्योंकि पार्ट में अभी चल रही है, इसी की फ़ोटो की एक पार्ट टू वीडियो आएगी जो ओनली फ़ोटो फ़ोटो की होगी, वो आप लोग ज़रूर देखना और ये वीडियो भी देखना, जिससे कि आप लोगों को सारी बातें ये डिटेल में समझ में आ पाएंगी इस वीडियो की, और गांव के एक से एक शॉट जो आप लोग देख रहे हैं, इसलिए बन देखते रहें पूरी वीडियो लास्ट तक। इसलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप में जुड़ें, जिससे कि आप लोग गरीबों के लिए कुछ मदद कर पाएँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमेशा आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहेंगे और इसका एपिसोड 2 आएगा और पार्ट 10 वीडियो आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।